झरोखा चैनल में आपका स्वागत है। शिल्प सौंदर्य क्या होता है, आज हम इस विषय पर आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि शिल्प सौंदर्य क्या होता है। प्रत्येक निर्माण का एक प्रकार का शिल्प होता है, प्रत्येक निर्माण में एक प्रकार का शिल्प होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मंदिरों का निर्माण करने का एक शिल्प है, मस्जिदों को निर्माण करने का दूसरा शिल्प है, चर्च को निर्माण करने का तीसरा शिल्प है और गुरुद्वारों को निर्मित करने का चौथा शिल्प है। इस तरह अलग अलग प्रकार के भवनों को बनाने का, निर्मित करने का एक शिल्प होता है। हम शिल्प से ही पहचान पाते हैं कि कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है, कौन गुरुद्वारा है, कौन चर्च है, कौन मठ है। तो ये शिल्प के भेद से, बाहरी भेद से ही हमको निर्माण की प्रकृति के बारे में पता चलता है। इसी तरह साहित्य सृजन का भी अपना शिल्प होता है। यहां शिल्प में बनावट और बुनावट दोनों ही शामिल होते हैं। कविता का अपना शिल्प है, कहानी का अपना, नाटक का अपना शिल्प है, उपन्यास का अपना। शिल्प से ही आप पहचान पाते हैं कि यह कविता है, दूसरी कहानी है, यह नाटक है, दूसरा उपन्यास है। तो यह शिल्प का जो बाहरी ढांचा है, स्वरूप है, वही साहित्य की विधा का भेद तैयार करता है। तो यह हुआ साहित्य की विभिन्न विधाओं के ढांचे का शिल्प अथवा बनावट। अब हम शिल्प की कुछ और भी गहराई में उतरते हैं। कविता या कहानी का जो प्रचलित ढांचे वाला शिल्प है, उसके अलावा रचनाकार का भी अपना एक शिल्प होता है। जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा तीनों ही उपन्यासकार हैं, परंतु तीनों का अपना औपन्यासिक शिल्प अलग है, भिन्न है। प्रेमचंद सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैनेन्द्र कुमार साहित्यिक भाषा और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से गुथी हुई वर्णन शैली का प्रयोग करते हैं। निर्मल वर्मा की भाषा में काव्यात्मकता है। तो ये जो आंतरिक शिल्प है, वह तीनों का अपना अलग है और इसी कारण हम उस भाषा से उनकी पहचान कर पाते हैं। इस तरह तीनों उपन्यासकार अपना निजी शिल्प निर्मित करके अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाते हैं। अब हम मैत्री शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को देखते हैं तो ये तीनों ही कवि हैं, परंतु कविता का जो प्रचलित ढांचा है उसके अंदर जब कविता रचते हैं तो वे अपने अपने वैयक्तिक शिल्प का प्रयोग भी उसमें करते हैं और इससे उनकी अपनी पहचान बनती है। देखिए कैसे शिल्प का भेद है। मैथिली शरणगुप्त सरल भाषा और प्रचलित छंदों का प्रयोग करते हैं और उससे अपना शिल्प बनाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और छंदहीनता का शिल्प रचते हैं। सुमित्रानंदन पंत भाषा की कोमल कांत पदावली का प्रयोग करते हैं और छंदबद्धता और छंदहीनता दोनों को ही अपनाते हैं। इस तरह इन तीनों कवि हैं,
तीनों की कविता का जो प्रचलित ढांचा है उसमें वो कविता लिखते हैं, लेकिन कविता की आंतरिकता में जब हम उतरते हैं तो हमें उनकी अपनी विशिष्टताएं दिखाई देती हैं, विशेषताएं दिखाई देती हैं, और हम पहचान पाते हैं कि ये पंत जी की कविता है, ये निराला जी की कविता है, ये मैथिलीशरण गुप्त की कविता है। उनका नाम न होने पर भी हम उनके शिल्प से उनको पहचान सकते हैं। इसी तरह तीनों को अपना निजी शिल्प निर्मित करने के कारण एक अलग पहचान साहित्य में मिली हुई है। तो यह हुई शिल्प के बारे में बाहरी जानकारी। अब शिल्प की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उसके आंतरिक शिल्प की रचना कैसे होती है। कविता में शिल्प सौंदर्य का निर्माण करने वाले बहुत से तत्व होते हैं, जैसे कविता की भाषा, उसका नाद सौंदर्य, लय, प्रवाह और गेयता का गुण, रस, छंद, अलंकार, संप्रेषणीयता का गुण, भावाभिव्यक्ति का स्तर आदि। इसके आधार पर कविता का आंतरिक शिल्प बनता है और इनके कारण ही उसका शिल्प सौंदर्य प्रकट होता है। यदि हमें किसी कविता का शिल्प सौंदर्य बताना हो तो हम इन्हीं तत्वों के आधार पर कविता का शिल्प सौंदर्य कैसा है यह निर्धारित कर सकते हैं। तत्व वही है, कविता की भाषा। हमको बताना होगा कि कविता की भाषा कैसी है। सरल है, सहज है, वह तत्सम शब्दों से बनी है, तद्भव शब्दों से बनी है, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, या कोमलकांत पदावली है। कोमलकांत पदावली है ना, जिसमें बिना मात्राओं वाले और जो कठोर उच्चारण वाले शब्द अक्षर हैं उनसे बचना। जैसे एक कविता का उदाहरण मैं दे सकता हूं पंत जी का कोमलकांत पदावली का, वह है मह धनिया लह लह पालक सरसों खूब फली फूली मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब इसमें छोटी मात्राएं हैं, दीर्घ स्वर नहीं है, कम है, और इसलिए इसमें एक भाषा का विशेष जो है वो हमको कोमलता नजर आती है। ये कोमलकांत पदावली है। तो कविता की भाषा कैसी है ये हम इस तरह से विश्लेषण करेंगे। फिर है उसका नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य है कि जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उससे एक नाद पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होती है। वह नाद या ध्वनि की सुंदरता का पक्ष कैसा है ये बताना जो है शिल्प सौंदर्य का दूसरा तत्व है। फिर लय, प्रवाह और गेयता का गुण है कि नहीं कविता में। कविता है तो उसमें एक लयात्मकता होगी, चाहे वो छंदहीन हो चाहे वो छंदबद्ध हो, उसमें लय अवश्य होगी, प्रवाह होगा, पढ़ेंगे तो हम जो है वो भाषा फिसलती हुई आगे बढ़ेगी, कहीं अटकाव नहीं होगा, ये होना आवश्यक है। और गेयता का गुण, क्या उसे गाया जा सकता है, चाहे वो छंदहीन हो चाहे छंदबद्ध हो, दोनों तरह के कविताओं को गाया जा सकता है। हम फिल्मों में गुलजार के बहुत सारे ऐसे गीतों को हम गायकों के द्वारा गाया हुआ सुनते हैं, जिनकी छंदबद्धता नहीं है, छंदहीनता है, वो कविता के शिल्प में है, लेकिन इसके बावजूद उनमें गेयता है, उन्हें गाया जा सकता है। तो ये कविता की जब हम व्याख्या करते हैं, उसका जब सौंदर्य तलाशते हैं, विश्लेषण करते हैं, आलोचना और समीक्षा करते हैं, तो इन गुणों को देखते हैं। और फिर आता है रस, छंद और अलंकार का कौन सा तत्व है, किस रस की कविता है, कौन सा छंद प्रयोग में लाया गया है, और वहां अलंकार क्या है, ये बताना भी शिल्प का ही एक और तत्व उजागर करना है। फिर है संप्रेषणीयता का गुण। संप्रेषण यानी जो चीज यहां से कही जा रही है वह अगर आप तक पहुंच रही है
तो संप्रेषण हो रहा है और मेरे द्वारा जो मैं कह रहा हूं उसमें संप्रेषणीयता का गुण है। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। तो अगर कोई कविता लिखी जा रही है, कोई कहानी पढ़ी जा रही है, कोई उपन्यास पढ़ा जा रहा है, तो लेखक जो कहना चाहता है अगर वह आपके पास तक उतनी ही विशिष्टता के साथ पहुंच रहा है तो मतलब है कि उस रचना में संप्रेषणीयता का गुण है। तो संप्रेषणीयता होगी तभी रचना ताकतवर बनेगी, उसमें संप्रेषणीयता नहीं होगी तो रचना भी कमजोर होगी, अल्पकालिक होगी, मर जाएगी। और अब हम एक और तत्व की बात करते हैं और वह है भावाभिव्यक्ति का स्तर क्या है। जिन भावों को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं कविता लिखकर, क्या वो भाव ठीक तरह से अभिव्यक्त हुए? अगर वह रौद्र भाव की कविता है तो उसमें रौद्र रस होना चाहिए। अगर वह कोमल भाव की कविता है तो कोमलता होनी चाहिए, उसी रूप में वह प्रकट होनी चाहिए, प्रस्तुत होनी चाहिए। व्यंग है तो व्यंग भाव आना चाहिए। ये भावाभिव्यक्ति के स्तर पर कविता की कसौटी क्या है, उन तत्वों को हमने अभी आपके सामने बताया है। अब यदि हमको कहानी का शिल्प सौंदर्य बताना हो तो हम उनके शिल्प के तत्वों के आधार पर कहानी का शिल्प सौंदर्य निर्धारित कर सकते हैं। जिस तरह कविता के शिल्प सौंदर्य के तत्व हैं, कहानी के भी हैं। कहानी का क्या है? कहानी की भाषा। कविता की जैसे भाषा है वैसे कहानी की भी भाषा एक तत्व है। वह भाषा कैसी है? क्या जिस तरह से कहानी, जिस विषय पर कहानी लिखी जा रही है, जिस क्षेत्र पर कहानी लिखी जा रही है, जिस टॉपिक को कहानी में लिया गया है, कहानी उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग कर रही है? कितना कर रही है? ग्रामीण अंचल की हम कहानी लिखते हैं तो क्या ग्रामीण भाषा उसमें आ रही है? शहरी कहानी है तो शहरी भाषा आनी चाहिए। पढ़े लिखे पात्रों की कहानी है तो उसमें अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द आने चाहिए। तो कहानी की भाषा कैसी है उसका जब हम निर्धारण करते हैं, सौंदर्य का निर्धारण करते हैं, तो वह शिल्प का एक तत्व बनता है। दूसरा है रोचकता और पठनीयता का गुण। कहानी गद्य में लिखी जाती है, बड़ी रचना भी हो सकती है, तो उसमें रोचकता का तत्व नहीं होगा तो कहानी पढ़ी नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी। तो जब तक उसमें रोचकता ना होगा होगी तब तक कहानी पाठक तक नहीं पहुंच सकती। और दूसरा, उसमें पठनीयता का गुण होना चाहिए, यानी जब हम कहानी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के प्रति हमारे मन में आकर्षण पैदा करने का गुण कहानी के अंदर होने चाहिए, उसकी भाषा में, उसकी लिखावट में, उसको उसकी बुनावट में, उसके चरित्रों में, उसके अंदर घट रही घटनाओं से उत्पन्न होने वाला जो जिज्ञासा भाव है वो होना चाहिए, तब कहानी की पठनीयता बढ़ती है। फिर कहानी का शिल्प सौंदर्य का अगला तत्व है चरित्रों को गढ़ने का कौशल। कि हमारी कहानी का जो पात्र है, जितने भी पात्र हैं, स्त्री पात्र है, पुरुष पात्र है, बालक पात्र है, क्या हमने उसको अपनी कहानी में प्रस्तुत करते समय बालक के अनुरूप, स्त्री पात्र के अनुरूप, पुरुष पात्र के अनुरूप उसके चरित्र को ठीक तरह से गढ़ा है? गढ़ने का कौशल हमारे अंदर है? क्या हम जिस पात्र को कहानी में रच रहे हैं वह पाठक की आंखों के सामने ठीक उसी रूप में वह दृश्यमान हो रहा है? अगर हो रहा है तो यह कहानी की और कहानीकार की सफलता है। तो जब भी हम कहानी के शिल्प सौंदर्य को जांचने बैठेंगे, पड़ताल करने बैठेंगे, देखने बैठेंगे, हमें इन्हीं तत्वों के आधार पर
शिल्प सौंदर्य जो है वो देखना होगा। तो हमें आशा है कि आप जरूर समझ गए होंगे कि शिल्प सौंदर्य क्या होता है, किसे कहते हैं और शिल्प सौंदर्य के तत्व कौन कौन से हैं, कविता के तत्व क्या हैं, कहानी के क्या हैं। उपन्यास और नाटकों पर मैंने अलग से इसलिए नहीं बताया कि कहानी के तत्व ही मोटे तौर पर उपन्यास में लागू होते हैं और नाटक पर भी लागू होते हैं, और एक दो तत्व बढ़ जाते हैं क्योंकि नाट्य दृश्य काव्य है, उसे हम देखते हैं, बाकी चीजों को हम पढ़ते और सुनते हैं, पर नाटकों को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, तो उसके एक दो तत्व और बढ़ जाते हैं, वो दृश्य से संबंधित तत्व हैं। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।